हजरत निजामुद्दीन से होकर अहमदाबाद आने जाने वाली ट्रेन गुजरात संपर्क क्रांति को आगामी 14 जनवरी से बंद किए जाने की सूचना से स्थानीय पंडा समाज, व्यापारियों और यात्रियों में रोष व्याप्त है। उन्होंने सांसद हेमा मालिनी और पीएमओ को पत्र भेजकर इसे यथावत चलाए जाने की मांग की है। वेस्टर्न रेलवे ने 18 दिसंबर को पत्र जारी कर आगामी 14 जनवरी से हजरत निजामुद्दीन से मथुरा होकर अहमदाबाद जाने वाली, अहमदाबाद से मथुरा होकर हजरत निजामुद्दीन जाने वाली ट्रेन गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को बंद किए जाने के निर्देश दिए हैं। माथुर चतुर्वेद परिषद के पूर्व महामंत्री, व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगेंद्र चतुर्वेदी ने रेलवे द्वारा जारी किए गए इस निर्णय पर उच्चाधिकारियों से पुनः विचार किए जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि गुजरात से ब्रज में दर्शन और मां यमुना को पूजने के लिए बड़ी संख्या में भक्त वैष्णव आते हैं। उनके यहां आगमन का प्रमुख साधन यही गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है। इस ट्रेन के बंद होने से भक्त वैष्णव व्यापारियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। निजामुद्दीन से चलकर मथुरा होते हुए अहमदाबाद जाने वाली और अहमदाबाद से चलकर मथुरा होते हुए निजामुद्दीन जाने वाली गुजरात संपर्क क्रांति को आगामी 14 जनवरी से, जो हफ्ते में अभी 3 दिन चलती है, उसे बंद किया जा रहा है और उसे केवड़िया अहमदाबाद से न चलाकर केवड़िया से चलाए जाने का प्रस्ताव रेलवे ने दिया है, निर्णय लिया है, प्रस्ताव में निर्णय लिया है। इस निर्णय से हमारे मथुरा, जो कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली और मां यमुना का पवित्र तीर्थ स्थल होने के साथ साथ एक धार्मिक पर्यटन के लिए और व्यवसाय के लिए बहुत बड़ा केंद्र है, और मथुरा को गुजरात से जोड़ने के लिए वो ये गाड़ी बहुत ही अच्छी गाड़ी है, और उस गाड़ी से बड़ी संख्या में मथुरा से वैष्णव समाज जाता और आता है। गुजरात से मथुरा आने वाले, मथुरा वृंदावन घूमने आने वाले, धार्मिक पर्यटन करने वाले, व्यापार करने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, जिससे यहाँ का चतुर्वेदी पंडा तीर्थ पुरोहित समाज, मंदिर मठों से जुड़े हुए हमारे पंडे समाज के लोग, हमारे अन्य व्यापारी लोग इससे लाभान्वित होते हैं और एक बहुत बड़ा राजस्व सरकार को भी प्राप्त होता है तीर्थाटन से और तीर्थाटन पर्यटन से। लेकिन जब अगर यह ट्रेन बंद कर दी जाएगी तो इसका बड़ा प्रतिकूल प्रभाव इन्हीं सभी वर्गों पर पड़ेगा, जिससे कि धार्मिक पर्यटन, जो कि हमारी मोदी सरकार और योगी जी का एक संकल्प है कि तीनों स्थलों को हम बहुत अच्छे से रखेंगे और यह धार्मिक पर्यटन बढ़े, परंतु पता नहीं रेलवे के लोगों ने किस तरीके से यह निर्णय लिया है। मुझे लगता है इस पर रेलवे को पुनर्विचार करना चाहिए, और पुनर्विचार करके यदि बहुत ही आवश्यक है सरदार पटेल के स्मारक तक से हमें ले जाना और लाना है लोगों को, तो 2 दिन के 3 दिन जो चलने वाली ट्रेन है, 1 दिन वहां से कर दें, थोड़ा टाइम बढ़ सकता है। लेकिन अहमदाबाद से काटकर केवड़िया से चलाने का निर्णय उचित नहीं है, इससे बहुत बड़ा नुकसान यहाँ के सभी वर्गों को होने वाला है। मेरा निवेदन है रेलवे के अधिकारियों से कि इस पर पुनर्विचार करें और इसको पूर्ववत चलाएं। इसके लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय के पत्र भी लिखा है और अपनी सांसद महोदय श्रीमती हेमा मालिनी जी के भी संज्ञान में हम ला रहे हैं, वह भी इस विषय को उठाकर ये मांग करेंगे कि इसे पूर्ववत मथुरा होते हुए ही, जैसे पूर्व में चलती रही, हफ्ते में 3 दिन अहमदाबाद से, अहमदाबाद से निजामुद्दीन तक संचालन, निजामुद्दीन से अहमदाबाद तक इसका संचालन किया जाए, यही हमारी मांग है और इसे हम आगे भी और बढ़ाएंगे।